प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो इसी तरह हम क्या कह सकते हैं, अब इसका मतलब है कि सॉलिड सब्सटेंस और लिक्विड सब्सटेंस का जब हमारे पास जो है वेपर प्रेशर सेम हो जाएगा, तो वो इसको हम लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस होता है या सॉल्यूशन का है। इसी तरह अगर हमारे पास जो है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम विद द सॉलिड सॉल्वेंट, देन वो हमारे पास क्या आ जाता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हो जाता है। अब सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो सॉल्वेंट से लेस क्यों होता है, हमने देख लिया था कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के करीब करीब होते हैं, तो उनको कंडेंस करना, उनको सॉलिडिफाई करना के लिए लेस टेम्परेचर हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट ऐड कर देते हैं जो कि हमारे पास नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल एक दूसरे से सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे और उनको कंडेंस करने के लिए हमें टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो करना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर पहले प्योर सॉल्वेंट का था उससे ज़्यादा लो करेंगे तो तब वहाँ पे वो सब्सटेंस जो है वो सॉलिडिफाई होगा या उसका फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं कि डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दी सॉल्यूशन। हमने पीछे ये प्लॉट्स भी देख लिए थे कि ये प्लॉट हमें क्या बता रहे हैं कि ए और बी कर्व हमारे पास क्या है, सॉलिड सॉल्वेंट का है जो कि उसकी सब्लिमेशन से डील कर रहा है, कि जब सॉलिड सॉल्वेंट जो है डायरेक्ट वेपर प्रेशर में गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और उसका ये हमारे पास बी पॉइंट के ऊपर वेपर प्रेशर है। इसी तरह हमने सी और डी देख लिया था, ये हमारे पास क्या था, लिक्विड सॉल्वेंट है जिसका वेपर प्रेशर बी पॉइंट के ऊपर हमारे पास पी था। और थर्ड हमारे पास जो पॉइंट आ रहा है वो है ई और एफ जो कि शो कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन। अब हमने कहा कि जब सॉलिड सॉल्वेंट जो प्योर सॉलिड सॉल्वेंट है और प्योर लिक्विड है जब वो इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनका जो टेम्परेचर है वो हमारे पास क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। अब इसी तरह हमारे पास जो है सॉल्यूशन जब इन इक्विलिब्रियम है सॉलिड सॉल्वेंट के साथ, तो वो उसका हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन आ जाता है। इसी तरह हमने एक पॉइंट जी देखा था कि ये जी पॉइंट क्या कहता है, कि ये जी पॉइंट है एक्चुअली जो प्योर लिक्विड है उसका सुपर कूल्ड टेम्परेचर है, कि जब हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है तो उस टाइम प्योर लिक्विड किस कंडीशन पे होता है, तो उस टाइम प्योर लिक्विड हमारे पास सुपर कोल्ड कंडीशन में होता है, जिसको हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, ये जी है। और इस पॉइंट पे जो इसका हमारे पास प्रेशर आ जाता है उसे हम पी नॉट से रिप्रेजेंट करें। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, जी और बी हमारे पास वेपर प्रेशर कर्व पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक प्रेजेंट है। और इसी तरह अगर हम बी और ई को देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये सब्लिमेशन कर्व पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं या कनेक्टेड है, और ये जो है हमारे पास जो है वेपर प्रेशर कर्व के लिहाज से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, यही चीज़ें हम आगे जाके भी देख रहे हैं। और जो टेम्परेचर का डिफरेंस आता है फ्रीजिंग पॉइंट का में, देख इधर अगर हम इस यहाँ पे देखें तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट जो है वो हाई टेम्परेचर पे है और जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है वो लो टेम्परेचर में, और उनके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, डेल्टा टी एफ। ठीक है, डिप्रेशन इन दी फ्रीजिंग पॉइंट। अब हम एक्चुअल में ये निकाले थे थर्मोडाइनेमिक डेरिवेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा टी एफ। ठीक है, तो ये डेल्टा टी एफ का जो एक्सप्रेशन है हमने वो निकालना है, जो पीछे सारे पॉइंट है ग्राफ में वो सारे यहाँ पे दोबारा एक दफ़ा हम इसको डिस्कस कर लेंगे। हम क्या कर रहे हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को, जो कि फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन है, उसको कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, या आप इसको कह लें कि मोल फ्रैक्शन जो हम लोग निकाले थे, या नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट से रिलेट कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन सी इक्वेशन चाहिए होगी। एक तो हमें क्लासियस क्लेपेरॉन इक्वेशन चाहिए, और दूसरी हमारे पास जो है रॉड्स लॉ वाली इक्वेशन है, तो वो इक्वेशन चाहिए होगी। ठीक है, अब अगर आपको प्लॉट की समझ आ गई है, एक प्लॉट आप सामने रखे हो, यहाँ पे इन पॉइंट्स को देखेंगे, लेट पी द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड्स एंड सॉल्वेंट, लिक्विड सॉल्वेंट एंड द सॉलिड एट टी नॉट। ठीक है, जो पी जो है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर जो सॉल्वेंट है उसका है, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में, तो वहाँ पे उसका जो टेम्परेचर है वो टी नॉट है, जो कि हमें पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट है।
इसी तरह हमारे पास क्या है, पीएस इज द वेपर प्रेशर ऑफ द बोथ सॉलिड सॉल्वेंट एंड द सॉल्यूशन एट द टेम्परेचर टी, और ये टेम्परेचर टी के ऊपर आप देख सकते हैं इसको, और ये इसका मतलब है कि ये हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है। इसके अलावा हमारे पास एक पॉइंट है पी नॉट इज द वेपर प्रेशर कर्व, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सुपर कूल्ड लिक्विड सॉल्वेंट एट द टेम्परेचर टी कोरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट जी। ये भी हमने पीछे देख लिया कि जी पॉइंट जो है वो टी के ऊपर है, यानी कि जहाँ पे सोल्यूशन जो है फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है उसका, और ये उस टाइम सुपर कूल्ड लिक्विड सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। अब हमने ये भी देख लिया था कि जी और बी जो है एक वेपर प्रेशर कर्व के ऊपर लाइक कर रहे हैं, तो इनको रिलेट करने के लिए हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन यूज करेंगे, जो कि क्या हमारे पास लॉग नेचर पी ओवर पी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच वी मल्टीप्लाई बाय टी नॉट माइनस टी एंड डिवाइडेड बाय आर टी नॉट एंड टी। अब डेल्टा एच वी क्या है, ही मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ प्योर सॉल्वेंट के एक जो हमारे पास प्योर सॉल्वेंट है वो कितने वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, वो उसकी जो है वो हीट ऑफ वेपराइजेशन जो है, अगर ये मोल्स की फॉर्म में कि एक मोल ऑफ जो है सब्सटेंस जो है या सॉल्वेंट जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो फिर जो है हमारे पास डेल्टा एच वी है, इसको हम मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन कह रहे हैं। इसी तरह हमारे पास जो है हमने देखा कि ई और बी पॉइंट्स जो हैं वो सब्लिमेशन कर्व पे एक दूसरे के साथ रिलेट कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सब्लिमेशन कर्व के लिहाज से डेल्टा एच वी की जगह पे हम क्या कर देंगे, डेल्टा एच एस कर देंगे। ठीक है, तो लॉग नेचर पी ओवर पी एस इज इक्वल टू डेल्टा एच एस, बाकी हमारे पास जो टर्म जो है वो सेम रहेगी। तो यह हमारे पास डेल्टा एच एस क्या है, वो हम रिलेट करिए बी और ई पॉइंट को, और ये है एक्चुअली हमारे पास क्या है, हीट ऑफ सब्लिमेशन ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट। ये सब्लिमेशन वो प्रोसेस होता है जब सॉलिड सॉल्वेंट जो है डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। ठीक, और इसी तरह हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंबाइन कर सकते हैं, क्या करें कि एक इक्वेशन को दूसरी के अंदर से सब्सट्रैक्ट कर दें, तो जो सेम टर्म होगी हमारे पास वो क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, क्योंकि ये टर्म हम फर्स्ट पे रख रहे हैं, तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दें तो क्या बन जाएगा कि एक्चुअल में हमारे पास ये लॉग ऑफ पी और ये लॉग ऑफ पी जो है आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और रिमेनिंग हमारे पास ये प्लस साइन के साथ जो है लॉग ऑफ पी एस न्यूमिनेटर में आ जाएगा, और ये जो है माइनस के साथ जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। दूसरी साइड पर हम क्या कह रहे हैं, माइनस को बाय निकाल रहे हैं, और इसलिए ये डेल्टा एच इस हमारे पास यहाँ पे आ गया प्लस में आ गया, और ये डेल्टा एच वी जो है वो नेगेटिव में आ गया, बाकी हमारे पास दोनों टर्म्स क्या हैं कॉमन है, तो वो इसलिए हमने इधर साइड पे इनको निकाल लिया। एक्चुअल में हमने इसको माइनस के साथ क्यों किया है कि डेल्टा एच एस माइनस डेल्टा एच वी जो है हमारे पास इक्वल होता है हीट ऑफ फ्यूजन के। ठीक है, हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट, इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है कि जब एक मोल ऑफ कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है वो कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड के अंदर, तो वो उसकी हीट ऑफ फ्यूजन होती है कि जितनी भी हीट रिलीज हुई है या एब्जॉर्ब हो रही है तो वो उसकी हीट ऑफ फ्यूजन होती है। तो हम इस टर्म की जगह पे हम क्या कर सकते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन लिख सकते हैं, डेल्टा एच एफ लिख सकते हैं, बाकी टर्म हमारे पास वैसी की वैसी आ जाएगी, लॉग नेचर पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच एफ, और ये हमारे पास क्या था, बाकी टर्म आ गई। हमने पीछे देख लिया था कि टी नॉट माइनस टी जो कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस कर दें जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो वो डेल्टा टी एफ के इक्वल आ जाता था, तो ये हमने यहाँ पे इसकी टर्म इंट्रोड्यूस करवा देंगे। अब हमारे पास ये क्या है कि ये हमारे पास एक बेसिक इक्वेशन है जो कि डिफरेंट जो है एक ही सोल्यूशन को जो है वो रिलेट कर रहा है उसके जो उसका सॉल्वेंट है सॉलिड फॉर्म के साथ। ठीक है, या आप सिंपली इसको कह सकते हैं कि लिक्विड सॉलिड को के वेपर प्रेशर को रिलेट कर रहा है सॉलिड जो प्योर सॉल्वेंट है उसके वेपर प्रेशर के साथ किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे। ठीक है, जो हम कह रहे हैं कि ये टी है या टी नॉट है, इसी तरह हमने पीछे देख लिया था कि क्या है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है इन इक्विलिब्रियम में है हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट के साथ। अब इसका मतलब है जब दो चीज़ें आपस में एक थर्ड चीज़ के साथ इन इक्विलिब्रियम आ जाती है, तो इसका मतलब है कि पहली और तीसरी भी इक्विलिब्रियम में होगी, मतलब ये अगर वन और टू जो है आपस में इक्विलिब्रियम में है
और टू और थ्री आपस में इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वन और थ्री के दरम्यान में भी इक्विलिब्रियम होता है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि ये इक्वेशन रिलेट करी है इन तीनों चीज़ों को। एक चीज़ हमारे पास क्या है, प्योर सॉल्वेंट है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, दूसरा प्योर सॉल्वेंट है हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, और तीसरी हमारे पास क्या है कि जो सॉल्यूशन है उसको रिलेट कर रहा है। ठीक है, हमने क्या कहा पीछे जो स्टेटमेंट सी आप याद उनको देखिएगा कि प्योर सॉल्वेंट जो लिक्विड है वो इन इक्विलिब्रियम में है सॉलिड सॉल्वेंट के साथ, एक चीज़। दूसरा क्या है कि जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इन इक्विलिब्रियम में है, तो इस तरह हम क्या कह सकते हैं जो सॉल्यूशन है वो लिक्विड के साथ भी, जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसके साथ भी किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के साथ इन इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, यानी ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट कर रही हैं, तो इसलिए ये हमारे पास बेसिक इक्वेशन ये है जो इन सब चीज़ों को आपस में रिलेट कर रही है। ठीक है, इक्वेशन फोर रिलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉलिड सॉल्वेंट एट टेम्परेचर टी टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर लिक्विड सॉल्वेंट एट द सेम टेम्परेचर। ठीक है, बस सिंस द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन आर इक्वल एट टेम्परेचर टी विच इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन। ठीक है, सो द इक्वेशन फोर आल्सो रिलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन टू दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एट टेम्परेचर टी। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें आपस में एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं और हम इस इक्वेशन के थ्रू वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर हम यहाँ पे क्या करें, रोड्स लॉ की को अप्लाई करें, तो हमें पता था हम यहाँ पे वैल्यूज निकाल सकते हैं, यहाँ से मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकल सकती है, जैसा कि हमने पीछे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी यही प्रोसेस किया था। अगर आपको वहाँ पे याद है तो आप इसको भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इफ वी अज्यूम नाउ द रोड्स लॉ विच इज एप्लीकेबल टू दिस सोल्यूशन, देन हमें पता है कि पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू एक्स वन, कि सॉल्यूशन के अंदर जो मोल सॉल्यूशन के अंदर जो वेपर प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है जब हम किसी भी सॉल्वेंट के अंदर नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर रहे होते हैं। तो जितना डिक्रीज इन वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ दी सॉल्वेंट के। ठीक है, कि सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के इक्वल है, लेकिन जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म कर रहे थे, तो हमारे पास क्या आता है कांस्टेंट आ जाता है, कि जो वो कांस्टेंट हमारे पास क्या था पी नॉट, जो कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है उसके अंदर जब हमारे पास सल्यूट नहीं ऐड हुआ होता। तो हम इक्वेशन को रीअरेंज कर रहे हैं तो ये क्या बन जाता है पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू ए एक्स वन, और हमें एक्स वन का पता है कि एक्स हमारे पास क्या होती है मोल फ्रैक्शन होती है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इन सिस्टम क्या क्या होता है कि हम उसको प्लस कर दें, उसके सम कर दें, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाती है यूनिटी के। तो हम वहां से किसी भी सबस्टांस की जो दोनों दो कंपोनेंट हैं उन दोनों में से किसी एक की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमने यहाँ क्या किया था कि हमारे पास अगर एक्स वन प्लस एक्स टू इज वन, तो वहां से हम एक्स वन की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो क्या हो सकती है वन माइनस एक्स टू। तो इसका मतलब है कि पी एस ओवर पी नॉट इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टू, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो ये क्या बन जाएगा लॉग नेचर वन माइनस एक्स टू। ठीक है, हमें पता है कि एक्स वन एक्स टू आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। ठीक है, एंड सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास इक्वेशन है। और हमें ये भी पता है कि ये जब डाइल्यूट सॉल्यूशन ले रहे हैं हमारे पास, तो ये वैल्यू हमारे पास क्या है बहुत स्मॉल है, तो इसलिए यहाँ पे जब लॉग नेचुरल लेंगे वन माइनस एक्स टू का, तो वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा हमारे पास माइनस एक्स टू के। और इस साइड में हमारे पास क्या है कि जब डाइल्यूट सॉल्यूशन है कि बहुत कम अमाउंट में हमारे पास ऐड हो रही है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी नॉट, और टी जो है उसको हम टी नॉट स्केयर लिख सकते हैं। तो जस्ट हमने इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर दिया, अब ये माइनस और ये माइनस आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। और यहाँ से अगर हम जो डेल्टा टी एफ जो है, वो डेल्टा टी एफ हमारे पास क्या था लोवरिंग ऑफ दी या डिप्रेशन ऑफ दी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन था। ठीक है, तो वो हम निकाल सकते हैं ये इक्वेशन यूज करके। अब आपने जैसे पहले किया था कि अगर आपको कहा जाए कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट निकालें, ठीक है, बाय यूजिंग द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, तो आपको अगर ये इक्वेशन आती है तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ से वही नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लें, वहाँ से आप जो है मॉलिक्यूलर वेट निकालें और
अगर आपको मैस पता है, सॉल्वेंट का मैस पता है, सॉल्वेंट की अमाउंट पता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल ऑफ दिस सॉल्यूट निकाल सकते हैं। सेम प्रोसेस करना जो हम प्रीवियस भी कर चुके हैं। इफ एन वन एंड एन टू आर दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, वन हम सॉल्वेंट के लिए यूज़ कर रहे हैं और टू जो है हम सॉल्यूट के लिए यूज़ कर रहे हैं, एंड इसी लिहाज से फिर डब्ल्यू टू क्या है, वेट है, डब्ल्यू टू ग्राम ऑफ द सॉल्यूट हैविंग मॉलिक्यूलर मास हमारे पास कितना आ जाएगा, एम टू डिजोल्व इन दी डब्ल्यू वन ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक, अब हमारे पास क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या होती है कि एन टू डिवाइडेड बाई एन वन प्लस एन टू, हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, वेरी डायलूट सोल्यूशन है, तो हम डिनोमिनेटर में से सोल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स इग्नोर कर देंगे, तो ये क्या बन गया, एन टू डिवाइडेड बाई एन वन। और यहाँ पे जब हम नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, स्पेसिफिक ग्राम्स, स्पेसिफिक वेट ऑफ अ सब्सटेंस डिजोल्व टू मेक द मोलर सोल्यूशन एंड विच इज डिवाइडेड बाई द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द दैट सब्सटेंस। ठीक है, यहाँ पे अगर N2 है तो W2 डिवाइडेड बाय M2, और इस तरह हमारे पास जो है सॉल्वेंट का आ जाएगा कि W1 डिवाइडेड बाय M1। अब ये M1 डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है, तो इसलिए वो कि हमारे पास न्यूमिनेटर में चला जाएगा। तो हम यहाँ X2 की जगह हम ये वैल्यूज पुट कर सकते हैं इस इक्वेशन 6 के अंदर, ये 7 वाली वैल्यूज पुट कर दें, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई। अब हमारे पास क्या है कि हम ले लेते मोल्स की फॉर्म में, ठीक है, हमने डेल्टा एफ एफ भी जो है वो मोल्स की फॉर्म में लिया था। अगर हम इसको पर ग्राम्स के लिहाज से ले लें तो इसको हम क्या कर सकते हैं कि डेल्टा एच एफ इज इक्वल टू एम वन एल एफ, वेयर एल एफ इज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पर ग्राम। अब जब डेल्टा एच एफ की जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं एम एल एफ, ठीक है, तो यहाँ पे जो एम वन है और ये एम वन आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास जो रिमेनिंग इक्वेशन आ जाएगी ये वो हम उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और साथ साथ हम क्या करें कि डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में थाउजेंड से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने जो है कंसंट्रेशन को उनके टर्म को मोलर में लेके आना है, मोलर में, मोलर से हम पहले ग्राम में गए और ग्राम से हमने फिर जो है वो मोलर में आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको थाउजेंड से अब डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, तो ये टर्म जो है हमारे पास क्या बन जाएगी, मोलैलिटी की टर्म बन जाएगी। बाकी हमारे पास क्या है कि ये सारी टर्म आ जाती है। अब ये भी हमारे पास क्या है, आर आर टी नॉट स्क्वायर और थाउजेंड एल एफ, जिसकी इस सारी टर्म की बजाय हम एक टर्म यूज कर लेते हैं के एफ, और ये हमारे पास क्या है, टर्म क्या है, मोलैलिटी है। ये हमारे पास फर्स्ट के एफ जो है कांस्टेंट आ जाता है, वेयर के एफ इज इक्वल टू आर टी स्क्वायर, आर नॉट टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 एल एफ इज अ कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड द मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और द क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। फॉर द गिवन सॉल्वेंट इट इज डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट प्रोड्यूस्ड, कि कितना फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा होता है कि जब हम वन मोल ऑफ सॉल्यूट इज डिजोल्व इन वन केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, यानी मोलैलिटी के फॉर्म में हम ये ले रहे हैं कि एक मोल हमारे पास सॉल्यूट का है और थाउजेंड ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट में डिजोल्व हुआ हुआ है। ठीक है, और ये मोलैलिटी की हमें वैल्यू पता है कि ये थाउजेंड ग्राम जो है सॉल्वेंट के आगे, और ये डब्ल्यू टू सॉल्यूट का की अमाउंट है, और ये हमारे पास सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट है, और ये हमारे पास डब्ल्यू वन सॉल्वेंट की मास है। हम क्या यहाँ पे क्या कर सकते हैं, या मोलैलिटी की वैल्यूज पुट कर सकते हैं और के एफ आ सकते हैं। अगर आपको यहाँ से कहा जाए कि आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। आपको अगर इक्वेशन याद है तो आप इक्वेशन को रीअरेंज करें यहाँ से इधर, और ये साइड हमारे पास इधर आ जाएगी, तो हम किसी भी सॉल्यूट को जो कि नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट है, और उसको मॉलिक्यूलर वेट जो है वो निकाल सकते हैं। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस ऑफ नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट्स ओनली। ठीक है, कि हमारे पास जो सॉल्यूट होना चाहिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। अगर ये इलेक्ट्रोलाइट हो गया या इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस होगी, मीन ये आपस में आइस में कन्वर्ट हो गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो चेंज हो जाएंगे,
ठीक है, यहाँ चाहे ये एसोसिएशन करें या चाहे ये डिसोसिएशन करें, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास प्रॉपर्टीज थी सारी की सारी, वो सारी चेंज हो सकती हैं। इसलिए हम मेंशन कर रहे हैं कि ये हमारे पास नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन।